स्टैंडर्ड 10 दसवीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें पहला रिवीजन टेस्ट के लिए रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन के लिए आज हमें लेसन 15 संस्कृति क्या है, इस लेसन से हमें रिवीजन करने वाले हैं। इस लेसन में कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर, सारांश और सही या गलत, खाली जगह भरी दिया गया है। ध्यान से पढ़ लेना छात्रों, जो अब हम रिवीजन करने वाले हैं उसे ध्यान से सुन लेना। रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के बारे में क्या कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से हम जान सकते हैं मगर उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। अपड़ और गरीब आदमी भी विनयी और सदाचारी होता है, उसका सदाचारी होना ही उसकी संस्कृति है। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रचना 20 या 50 वर्षों में की जा सकती है। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने से भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी ये काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता, असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और वह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ती है, यह प्रक्रिया संस्कृति की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। जो जाति केवल नहीं देती है और कुछ नहीं लेती है, एक दिन उसकी संस्कृति नष्ट होती है। इसके विपरीत जो जाति अन्य संस्कृतियों से लेने को तैयार रहती है, उसकी संस्कृति हरी भरी रहती है। सेकेंड क्वेश्चन, जीवन में संस्कृति के बारे में लिखिए। हम दूसरों से मिलते समय उसके कपड़े आदि पर जरूर ध्यान देते हैं, इसी के आधार पर निश्चय करते हैं कि उससे दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे। हमें उसकी सभ्यता अच्छी लगी तो हम उससे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद हम उसकी संस्कृति की ओर ध्यान देते हैं। यदि उसकी संस्कृति हमें अच्छी नहीं लगी तो हम उसकी दोस्ती छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाहरी सुंदरता को देखकर दोस्ती करते हैं और भीतरी असुंदरता को देखकर दोस्ती छोड़ देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि संस्कृति जीवन के लिए कितना जरूरी है। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया पड़ता है जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं और जिस समाज में हम मिलकर रहते हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। अपने जीवन में हम जो भी संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है। संस्कृति हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए हैं। संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही टूट जाता है मगर संस्कृति का प्रभाव जन्मांतर तक चलता रहता है। संस्कृति और सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए। सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। पोशाक और अच्छा भोजन सभ्यता का सामान है मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। सभ्य आदमी संस्कृति भी होता है ऐसा कहा नहीं जा सकता। अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी बुरा व्यवहार करने वाला हो सकता है। झोंपड़ी में रहने वाला भी विनयी और सदाचारी हो सकता है। जिसके पास सभ्यता के उपकरण नहीं हैं मगर सदाचारी है, उसे सुसंस्कृति माना जाएगा। संस्कृति की और सभ्यता की प्रगति एक साथ होती हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। सभ्यता का संस्कृति पर और संस्कृति का सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता रहता है।
संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। संस्कृति सभ्यता का भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे फूलों में सुगंध व्याप्त रहता है। सभ्यता की सामग्रियों फूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश आसानी से नहीं किया जा सकता है। सभ्यता का उपकरण जल्दी भटोरे जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो संस्कृति चाहिए वह जल्दी सीखी नहीं जा सकती। हम जो कपड़ा पहनते हैं वह हमारी सभ्यता है, और हम जो व्यवहार प्रकट करते हैं वह हमारी संस्कृति है। कपड़े बदलने से हमारी सभ्यता बदल सकती है, मगर देश बदलने से हमारी संस्कृति इतनी आसानी से बदल नहीं जाती। फोर्थ क्वेश्चन, संस्कृति कहते हैं किसे और उसका लक्षण क्या है? संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से हम जान सकते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। वास्तव में संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त हैं। पोशाक और भोजन सभ्यता है, मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति है। मोटर बनाने और उसका उपयोग करने में, हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति उसको व्याप्त करती है। मनुष्यों के आचार व्यवहार में संस्कृति झलकती है। गरीब से गरीब लोग भी दूसरों के दुख को दूर करने चाहते हैं, ये सदाचार संस्कृति का लक्षण है। हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्माण हमारी संस्कृति की करती है। हम प्रयत्न करके ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष आदि दुर्गुणों को काबू में रखते हैं, ये भी संस्कृति का लक्षण है। हम जो भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति का लक्षण मिल जाता है। हमारी उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना और रोना हंसना सब संस्कृति के लक्षण हैं। हमारा पुस्तकालय और संग्रहालय, म्यूजियम और राजनीतिक आर्थिक संगठन सभी हमारी संस्कृति के लक्षण है। फिफ्थवन, संस्कृति का प्रभाव किन किन बातों पर पड़ता है? चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। दर्शन और विचार पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। धर्मों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। धार्मिक रिवाजों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। सिक्स वन, संस्कृति और सभ्यता सिक्के के दो पहलू है, समझाइए। सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। पोशाक और अच्छा भोजन सभ्यता के सामान हैं, मगर पोशाक पहनने में और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। संस्कृति की वो सभ्यता की प्रकृति एक साथ होती हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। सभ्यता का संस्कृति पर और संस्कृति का सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता रहता है। संस्कृति सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती हैं जैसे फूलों में सुगंध व्याप्त रहता है। इस तरह संस्कृति का सभ्यता एक दूसरे पर निर्भर रहती है, अतः दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संस्कृति क्या है? पाठ का सारांश लिखिए। लेखक परिचय, संस्कृति क्या है नामक लेख राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का लेख है। कवि के काव्य विचारों के भंडार होते हैं, वैसे ही उनके गद्य में विचारों का भरभार है। दिनकर जी को उनके उर्वशी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति क्या है? संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से हमें जान सकते हैं, मगर उनकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। अपट और गरीब आदमी भी विनती और सदाचारी होता है, उसका सदाचारी होना ही उसकी संस्कृति है। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं जिसकी रचना 20 या 50 वर्षों में की जा सकती है। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, ओढ़ते सोचते समझते, राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से हम उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और वह तरीका सदियों के जमा होकर उस समाज में छाया रहता है
जिससे हमें जन्म लेते हैं। संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त हैं। पोशाक और अच्छा भोजन सभ्यता का सामान है, मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। सभ्य आदमी संस्कृति भी होता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी जो बुरा व्यवहार करने वाला हो सकता है। जिसके पास सभ्यता का उपकरण नहीं है मगर सदाचार है, उसको सुसंस्कृत ही माना जाएगा। संस्कृत सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। संस्कृति सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसा फूलों में सुगंध व्याप्त रहता है। सभ्यता के उपकरण जल्दी भटोरे जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो संस्कृति चाहिए वह जल्दी सीखी नहीं जा सकती है। संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव। संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती हैं। यह क्रम हमेशा चलता रहेगा, यह कभी रुक नहीं जाएगा। आदान प्रदान। संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान होता है। यह प्रक्रिया सुसंस्कृति की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। जो संस्कृति केवल देती है और दूसरों सुसंस्कृतियों से कुछ नहीं लेती है वह नष्ट होती है। इसके विपरीत जो संस्कृति अन्य संस्कृतियों से लेने को तैयार रहती है वह हमेशा हरी भरी रहती है। विशेषता। यह लेख हमें सभ्य होने के साथ साथ संस्कृत भी होने के लिए बाध्य करता है। ऊंचे विचारों के कारण यह लेख हमारे दिल और दिमाग को आकृष्ट करता रहता है। इसके बाद में सही या गलत चुनकर लिखिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बाद राष्ट्रकवि से रूप में दिनकर का नाम लिया जाता है। सही। सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है। सही। फूस की झोपड़ियाँ में वास करना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना ही जिंदगी थी। सही। संस्कृति की सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। सही। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ रहती है। सही। खाली जगह भरी है। संस्कृति डैश से बढ़ती है। आदान प्रदान। हमारे राजनीतिक और आर्थिक संकटन भी होती हैं। एक जाति का डैश दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। धार्मिक रिवाज डैश में अधिक से अधिक जातियों की शक्तियां पची हुई है। भारत की सामासिक संस्कृतियां। क्या समझ में आता है? क्या छात्रों ध्यान से पढ़ लेना ये लेसन को जो हमें अभी तक रिविजन किए थे। प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द, खाली जगह भरी है, सही या गलत और सारांश को ध्यान से पढ़ो और पहले रिवीजन टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।